समझदारी ना तो किताबों के पन्नों को रटने से आती है और ना ही कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज है जहां समझदारी सिखाई जाती हो। एक लाइन में कहा जाए तो समझदारी आती है आपकी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से, आपके खराब हालातों से। एग्जाम्पल के लिए मान लो दो बच्चे हैं। एक बच्चा अमीर घर का है जिसके सारे शौक पूरे होते हैं, जिसे ना आज की फिक्र है ना कल की। ऐसे बच्चे को ना तो जिम्मेदारियों का एहसास है और ना ही आने वाले कल का। ऐसे में ये बच्चा समझदार तो होगा लेकिन थोड़ा देर से। वहीं एक बच्चा गरीब घर का है जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, उसे ही सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसे में इस बच्चे की समझदारी बहुत जल्दी बढ़ जाती है क्योंकि उसने हालातों से निपटना सीख लिया है। अब ऐसा बच्चा समझदार नहीं होगा तो क्या होगा? मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी जिम्मेदारी के और बिना किसी प्रॉब्लम का हल निकाले आप समझदार हो सकते हो तो ये आपकी भूल है। समझदार बनने के लिए आपको जिम्मेदारियों का बोझ उठाना ही पड़ेगा, तभी आप एक समझदार इंसान बन सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 5 ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो आपको समझदार इंसान होने में आपकी हेल्प करेंगी और आपकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी कि लोग तरसेंगे आपसे एक बार बात करने के लिए। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, बिगड़े हालातों को संभालना सीखो। एक समझदार इंसान उसे ही कहा जाएगा जो अपनी समझदारी से बिगड़े हालातों को भी संभालना जानता हो, क्योंकि जिस इंसान में प्रॉब्लम्स को फेस करने का हुनर ही नहीं, वो इंसान समझदार कैसे हो सकता है? अब जैसे हमारे माता पिता भले ही हमसे कम पढ़े लिखे हों, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो उन्हें एक समझदार इंसान बनाती है, और वो क्वालिटी ये है, वो हर कंडीशन का सामना कर सकते हैं, और उनका यही गुण उन्हें समझदार बनाता है। और यही गुण हम सभी में भी होना चाहिए ताकि लोग हमें भी एक समझदार इंसान समझें। मैंने देखा है आजकल के यंगस्टर्स छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होने पर भी अपने घर वालों पर ही डिपेंड होते हैं कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते तो अच्छा होता। यार, जब आपके अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करने का टैलेंट ही नहीं तो आप इंटेलिजेंट कैसे बन सकते हो, एक समझदार इंसान कैसे हो सकते हो? चलो माना कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं। अब ऐसे में आपके पास यही मौका होता है खुद को साबित करने का, अपनी समझदारी दिखाने का कि आप में कितनी समझदारी है। जब आप थोड़ा हिम्मत से काम लोगे तो आप उस प्रॉब्लम को खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे, और जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे। इसलिए अगर एक समझदार इंसान होना चाहते हो तो अपने बिगड़े हालातों को खुद ही सॉल्व करो और अपनी समझदारी दिखाओ। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। दूसरा पॉइंट है, इग्नोर करना सीखो। दोस्त, इस पॉइंट को ठीक से समझ लो, पूरी ज़िंदगी मौज में कटेगी, याद रखना। क्योंकि जिस इंसान में इग्नोर करने की आदत नहीं, वो इंसान कभी भी चैन से जी नहीं सकता। क्योंकि आज के टाइम में कोई साथ तो नहीं देता, लेकिन मुसीबतों के दलदल में धकेलने के लिए पूरी दुनिया तैयार बैठी रहती है। कोई बातों के तीर छोड़ता है तो कोई हमारे बनते बनते काम भी बिगाड़ देता है। अब ऐसे में इग्नोर करना नहीं सीखोगे तो आपका चैन से जीना तक मुहाल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके दिमाग में कोई बिजनेस करने का आइडिया आया और आपने उस बिजनेस को शुरू करने के लिए लोगों से कर्ज लिया और अपनी थोड़ी सी जमीन भी बेच दी ताकि आप उस बिजनेस में पैसा लगा सको, लेकिन आपकी किस्मत खराब थी और आपका वो बिजनेस डूब गया। हालांकि आपने जितने लोगों से भी कर्ज लिया था उन सभी को आपने पैसे दे दिए, लेकिन फिर भी दुनिया वाले यही कहेंगे, पता नहीं कितने लोगों का पैसा ये खाकर बैठा हुआ है, ऊपर से इसने अपने घर वालों को कहीं का नहीं छोड़ा, जो जमीन थी वो भी बेच खाई। तो ऐसे में आपको उनके साथ उलझना नहीं है और ना ही उन्हें ये समझाने की कोशिश करनी है कि आपने क्या किया है क्या नहीं। आपको सिंपली उन्हें इग्नोर करना है और आगे बढ़ने के बारे में सोचना है ताकि आप अपने हालातों को बेहतर बना सको और अपनी सफलता से उन सभी के मुंह बंद कर सको। जिस दिन आप कामयाब होंगे सभी के मुंह भी बंद हो जाएंगे और आपकी समझदारी भी लोगों को दिखाई देगी। इसलिए भला बुरा कहने वालों को इग्नोर करना सीखो। तीसरा पॉइंट है, खुद को अज्ञानी ही समझो, ज्ञानी नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग खुद को सबसे ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट साबित करने में लगे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो ही सबसे ज़्यादा समझदार हैं। ऐसे लोग थोड़े बहुत इंटेलिजेंट तो हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो इंसान खुद को समझदार साबित करने की कोशिश करता है इसका मतलब है उसमें ज्ञान बहुत कम है, उसमें तो बस कुछ बातों को लेकर घमंड है और कुछ नहीं। एक समझदार इंसान कभी भी ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और समझदार है।
देखो यार, अगर आप सबसे बेहतर बनना चाहते हो तो आपको खुद को ज्ञानी समझना बंद करना होगा और एक अज्ञानी की तरह सीखते रहना होगा। जब तक आप में सीखने की आदत है तब तक आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर जो सीखने का गुण है, आपका यही गुण आपको औरों से बेहतर और समझदार बनाता है। इसलिए अगर आपने नई नई चीज़ें सीखना बंद कर दिया है तो आपको अपनी इस आदत को सीखने की आदत में बदलना होगा, नहीं तो आप ज्ञानी होकर भी अज्ञानी ही रह जाओगे। चौथा पॉइंट है, मीठा बोलना सीखो, लोगों को अपना बनाना सीखो। हम में से ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, कोई खुश रहे चाहे नाराज़, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माना हम सभी अपनी मेहनत की खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें दूसरों की खुशियों का, उनकी नाराज़गी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम इस समाज से जुड़े हुए हैं और हमें इनके साथ मिलकर चलना है, ना कि अकेले। इसलिए लोगों से वही बातें करो जो उन्हें पसंद आए, ना कि वो बातें करो जो उनके जले पर नमक मिर्च लगाएं। कहने का मतलब है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब भी मुँह खोलते हैं तो आग ही उगलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। दोस्त, आज के टाइम में कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं आपका जो दिल करेगा आप वही बोलोगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लो किसी के बच्चे ने भागकर शादी कर ली। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि उसके बच्चे ने भागकर शादी की है, लेकिन फिर भी ये बात उस इंसान के सामने नहीं कहनी चाहिए कि आपके बच्चे ने गांव समाज में नाक कटवा दी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। ऐसे में भले ही वो इंसान उस वक्त आपसे कुछ भी ना कहे, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको कोस रहा होता है। कहने का मतलब है, आपको सिचुएशन को समझना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं। जिस दिन आप सिचुएशन के हिसाब से बात करना सीख लोगे, लोग आपकी समझदारी के फैन हो जाएंगे। इसलिए मीठा बोलो ताकि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हों, ना कि आपको देखते ही उनका मूड ऑफ हो जाए। पांचवा पॉइंट है, अभी के बारे में ही नहीं आगे के बारे में भी सोच लिया करो। ज्यादातर लोग आज के बारे में सोचते हैं, आने वाले कल के बारे में नहीं। उनके हिसाब से अभी का काम चलना चाहिए, बात की बाद में देखी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी दूसरे स्टेट काम की तलाश में गए हैं। अब जाहिर सी बात है, आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो आप घर वालों से दूर किसी दूसरे स्टेट पैसा कमाने के लिए गए हो। अब ऐसे में आपके पास जो भी पैसा है उसे इतने हिसाब से खर्च करना है कि जब तक आपको काम नहीं मिल जाता तब तक आपके पास पैसे होने चाहिए, नहीं भूखे रहने की नौबत आ सकती है। अब ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं आज मटर पनीर होटल पर खा ली जाए, कल की कल देखी जाएगी, तो ऐसे में आपके हालात बुरे हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कल में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं ये किसी को नहीं पता। इसलिए जब तक आपकी कंडीशन मजबूत ना हो जाए तब तक आपको हिसाब से ही पैसे खर्च करने चाहिए। जब भी नहीं, आप पेट भरने के लिए महंगा खाना ही ऑर्डर करें, आप सस्ता खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जब आपके हालात अच्छे हो जाएं, आपको जॉब मिल जाए, पैसा आने लगे, तो आपकी जो मर्जी वो खाओ। अगर आप हिसाब किताब से चलते हो तो लाइफ में आपको बहुत कम ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए सिर्फ आज के बारे में नहीं, आने वाले कल के बारे में भी सोच लिया करो, तभी तो आपकी समझदारी दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने से छोटों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग चालाकी से बात करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अपने अंदर एटीट्यूड लाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।